नमस्कार साथियों, आज आपको बॉर्न प्रक्षेप के बारे में बताया जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण है जिसका आरएफ एक अनुपात 125 करोड़ है, एक्सटेंशन यानी विस्तार है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतरीय विस्तार है 30 डिग्री ईस्ट से पूर्वी देशांतर से 180 पूरी देशांतर तक है, और इसका इंटरवल यानी अंतराल अक्षांश और देशांशों के बीच अंतराल है 15 डिग्री का है, और इसको हम ग्राफिकल मेथड से प्रश्न को हल करना सीखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम बॉर्न प्रक्षेप बनाते हैं। इसमें पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालते हैं, तो यह है आपके सामने 5.08 सेमी आ चुकी है। इसकी हम एक लाइन खींचते हैं और एक आधार चित्र बनाएंगे। आधार चित्र के आधार पर ही बॉर्न प्रक्षेप है वो बनाएंगे। इसके लिए पहले स्केल की सहायता से 5.08 की एक लाइन खींचते हैं। और इसको हम ओ और बी रेखा लिख देते हैं। तत्पश्चात चांदे की सहायता से जो अंतराल दिया गया था 15-15 का, उसके कोण बना देते हैं 15, 30, 45, 60, 75 और 90। और प्रकार लेते हैं डिवाइडर, इसको ओ से बी तक खोल देते हैं यानी 5.08 सेमी खोल के, और एक क्वार्टर चतुर्थांश का निर्माण करते हैं इस प्रकार। इस प्रकार वर्ग अंतराल के कोण बना देते हैं 15-15 डिग्री पर, और इसको नामांकित भी करते हैं। इस प्रकार नामांकित करते हैं, ये मानक अक्षांश है 45 डिग्री। अब इसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लंब डालते हैं। इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, या ई पर जो मानक अक्षांश 45 डिग्री है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाकर पहले चिन्हित करते हैं। जो ओ ए रेखा है इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार, और ये 45 डिग्री का मैंने पेंसिल से कोण बनाया था इसको भी परमानेंट कर देते हैं इस प्रकार। ये 90 डिग्री का कोण है, इस पर रेखागणित में 90 को इस प्रकार दर्शाते हैं। और यहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है उसको लिख देते हैं पी बिंदु, पोलर। अब प्रकार को बी और सी यानी अंतराल जितना खोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे बी और सी जितना मैं प्रकार को खोल रहा हूँ, देख लीजिए। और इसको प्रकार को ओ पर रखना है, ओ को केंद्र मानकर, और एक क्वार्टर यानी चतुर्थांश बनाना है इस प्रकार। अब देखिए जो रेखा प्रतिच्छेदित हो रही है ओ सी, यहां उस पर नाम अंकित कर देते हैं, इसको मैंने लिख रहा हूं एच एच आई जे के और एल, जो ये प्रतिच्छेदित रेखा है। अब एच के ऊपर आपको एक लंब डालना होगा इस प्रकार, एच पर लंब डाल रहा हूं यहां। जो ए बी रेखा को एच डैश पर काटेगी, इसी प्रकार आई से लंब डाल दीजिएगा इस प्रकार, जो आई डैश पर काटेगी
इस प्रकार जे के एल से मैंने लम डाल दिए और इसके आगे नाम लिखना होगा। तो इस प्रकार हम मैंने नाम लिख दिए। अब ये आधार चित्र तो कंप्लीट हो गया है और अब इसके आधार पर हम बनाएंगे परमानेंट जो बोन प्रक्षेप है, इसी के आधार पर बनाएंगे। अब कोई नाप की एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लीजिएगा और इसके ऊपर P डैश अंकित कर दीजिएगा। ये पोलर होगा, उत्तरी ध्रुव का हम प्रक्षेप बना रहे हैं क्योंकि विस्तार 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ तक है। तो ये P बना दिया। अब आपको प्रकार खोलना है आधार चित्र में। जो आधार चित्र में P बिंदु और E, ये इतना आपको प्रकार खोलना है और प्रकार खोल के आपको यहाँ P डैश बिंदु है जो बोन प्रक्षेप बना रहे हैं उसके ऊपर रखना है और एक चाप मारना है। जो ये मानक अक्षांश अपना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 45 डिग्री। स्टैंडर्ड पैरेलल यानी मानक अक्षांश 45 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ था, इसको ये इंगित करेगी। और यहाँ आप लिख दीजिए 45 डिग्री, कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब प्रकार को खोलना है B और C जितना, क्योंकि अंतराल देशांतर और अक्षांश में बराबर दे रखा है 15 15 डिग्री। तो इस प्रकार आप प्रकार 15 डिग्री खोल लेंगे। ये 15 डिग्री का अंतराल का। तो अब आपको ध्यान होगा यह 45 है, 45 से ऊपर चलेंगे 60 डिग्री और 75 डिग्री, इतना ही विस्तार था 75 डिग्री तक था। और नीचे हम देखते हैं 45, 30 और ये हो गया 15, क्यों 15 से 75 डिग्री का विस्तार था। तो इस प्रकार हम चाप काट देते हैं। अब प्रकार को P पर रखना है और प्रकार को खोलना है। जो ये चाप मारे थे हमने, ये 75 वाला इतना खोलना है और इसका 75 डिग्री का अक्षांश वृत्त है वो निर्माण करना है आपको। इसी प्रकार 60 डिग्री तक खोलना है और 60 डिग्री का जो वृत्त अक्षांश है वो निर्माण करना है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 75 डिग्री से 15 डिग्री तक वृत्त अक्षांश है वो निर्मित कर दिए गए। आप इस में अंकित कर सकते हैं, ये 75 डिग्री हो जाएगा। अगर आप देशांतरीय विस्तार है वो अंकित कर दीजिएगा। अब आप सॉरी, ये अक्षांश विस्तार हमने अंकित कर दिया है। अब हम देशांतर बनाएंगे। इसमें देशांतर रेखाएं शंकु प्रक्षेप और ये लगभग समान है, लेकिन इसमें शंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाएं सीधी आती है, इसमें देशांतर बोन प्रक्षेप में वक्र रूप में आती है, वक्राकार देशांतर रेखाएं पाई जाती है। तो इसमें प्रत्येक जो देशांतर जो अक्षांश है उस पर हम इसकी सहायता से, आधार चित्र की सहायता से देशांतर रेखाओं का वक्राकार निरूपण करेंगे। आधार चित्र में 15 डिग्री देशांतर, ये 15 डिग्री देशांतर है, इस पर सॉरी 15 डिग्री जो अक्षांश है इसके ऊपर देशांतर रेखाओं का अंकन कर रहे हैं। तो इस आधार चित्र में 15 डिग्री वाला पहला ही था ना, तो आपको चाप बनना है एच से एच डैश का। प्रकार को इस प्रकार खोलना है, एच से एच डैश का चाप बनना है इस प्रकार। अब कितने चाप काटने उसके लिए अपने को विस्तार देखना होगा। विस्तार दे रखा था 30 डिग्री से 180 डिग्री, तो इसको लिख लीजिएगा 30 से 180 तक लिख लीजिएगा, 15 15 के इंटरवल पर। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 आपको देशांतर बनाने हैं।
तो 11 में एक तो बना हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब हुआ पांच इस तरफ चाप मारना है और पांच इस तरफ मारना है, तो आपका देशांतर आ जाएगा। तो इसको मैंने लिया था 15 डिग्री वाला, तो इसमें आप ध्यान दीजिए 15 डिग्री पर ही चाप मारना है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चाप मार दीजिएगा, पांच चाप मारने, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरफ पांच चाप इस तरफ मार दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। एक्स्ट्रा लाइनों को मिटा दीजिएगा। अब दूसरा जो अक्षांश है इस पर देशांतर चिन्ह अंकित करने के लिए आपको प्रकार खोलना होगा। यहां से देखिए आई और आई डैश तक, क्योंकि ये 30 डिग्री वाला, ये 15 का है, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री ये आई और आई डैश तक खोलना होगा, और इस पर चाप आपको 30 डिग्री वाले पर ही मारने हैं। यहाँ 30 डिग्री वाला लेना है और चाप भी आपको यहाँ 30 डिग्री वाला लेना है। इसमें उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो आपका प्रक्षेप सही रूप से नहीं बनेगा। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरफ पांच चाप मारने, 2, 3, 4 और 5। अब अगला 45 डिग्री है, 45 डिग्री इसमें जे और जे डैश तक दे रखा है, प्रकाश प्रकार आपको इतना खोलना है। इस प्रकार 45 डिग्री पर भी चाप दोनों तरफ मार दीजिएगा, गिन के 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार सभी में चाप मारते जाइए। इस प्रकार 60 डिग्री जो अक्षांश है उस पर मैंने चाप मार दी है और चाप मैंने भर लिया है, और 75 डिग्री पर चाप मारना है, 1, 4। इस प्रकार आपको चाप मारने हैं। प्रकार आप इस प्रकार यूज लीजिए जो दोनों नोक मिलती हुई दिखाई दे, नहीं तो आपका चाप नहीं काटने में आएगा। अब देशांतर रेखाएं जो वक्राकार प्राप्त हुई है, अब इन्हें मिलाने के लिए एक विशेष प्रकार की स्केल आती है, वो तो मेरे पास मौजूद नहीं है। इसके लिए वैकल्पिक साधन है, आप ये रिफल या जो बांस की झाड़ू आती है उसका एक तिनका ले लीजिए और उससे आप मिला सकते हैं। किस प्रकार मिलाना है मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार आपको मोड़ना है और सभी बिंदु एक सीध में आ जाए, तब उसकी सहायता से आपको लाइन ड्रा करनी है इस प्रकार। इस प्रकार आपको लाइन ड्रा करनी है, सभी बिंदु मिल गए ना, इसी प्रकार आपको लाइन ड्रा करनी है। इस प्रकार सेट करके ये वक्राकार देशांतर रेखाएं आपको अंकित करना होगा। इस प्रकार सभी देशांतर रेखाएं आपको बनानी है, इस प्रकार बनाते जाइएगा। ये वक्राकार देशांतर रेखाएं हैं। इसमें साथ साथ आपको मैं इसकी विशेषता भी बता दूं, इस प्रक्षेप की मैं विशेषता बता रहा हूं। समस्त अक्षांश वृत्त केंद्रीय देशांतर को समकोण पर काटते हैं, परंतु केंद्रीय देशांतर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ साथ अक्षांश वृत्तों तथा देशांतर रेखाओं में प्रतिच्छेदन अधिकाधिक तिरछे होने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इस प्रक्षेप में ध्रुव एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। समस्त
अक्षांश वर्थ तथा केंद्रीय देशांतर रेखा प्रशुद्ध मापनी प्राप्त होती है। जो 45 डिग्री है ना, ये इस पर मापनी शुद्ध प्राप्त होती है। अक्षांश वर्तों पर मापनी शुद्ध होती है। प्रत्येक अक्षांश वर्त अपने निकट वर्त समीपवर्ती अक्षांश वर्तों से शुद्ध दूरी पर होता है। अतः इस प्रक्षेप में सम क्षेत्रफल का गुण बना रहता है, यानी सम क्षेत्रफल का गुण इसमें पाया जाता है। इस प्रक्षेप में केंद्रीय देशांतर रेखा सरल होती है तथा शेष सभी देशांतर रेखाओं की भी आवर्ती वक्राकार होती है। ये वक्राकार देशांतर रेखाएं हमें इसमें प्राप्त होती है। अब इसका यूज क्या है, इस बोन प्रक्षेप का मैं बता रहा हूं। इस प्रक्षेप का सर्वाधिक उपयोग मानचित्रावली में अलग अलग महाद्वीपों का चित्र बनाने के लिए किया जाता है। कम देशांतर विस्तार वाले क्षेत्र जैसे चिली जो दक्षिण अमेरिका में है आदि बनाने के लिए यह प्रक्षेप विशेष रूप से उपयोगी है। इसका कारण यह है कि बोन प्रक्षेप में केंद्रीय देशांतर के समीप क्षेत्रफल के साथ साथ आकृति भी काफी सीमा तक शुद्ध रहती है। इसके अतिरिक्त मध्य अक्षांश क्षेत्रों के वितरण और सांख्यिकीय यानी स्टैटिक्स मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। सम क्षेत्रफल का गुण होने के कारण विभिन्न देशों के स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिक मैप बनाने के लिए भी इस प्रक्षेप का उपयोग किया जा सकता है। पुनः इसको बचा हुआ है, इसको मैं बना देता हूं। इस प्रकार आप ये प्रक्षेप है बना सकते हो। इसमें वक्राकार देशांतर रेखाएं अंकन कर सकते हो। बचे हुए प्रक्षेप को ये बोल्ड करने के लिए प्रकार में आप इस प्रकार स्केच पेन है वो डाल दीजिएगा और आराम से इसको बना सकते हैं। इस प्रकार आप ये बोन प्रक्षेप आसानी से बना सकते हैं। अब चलो इसको नामांकित करते हैं। अक्षांश से विस्तार है 15 डिग्री से 75 है, 15 30 45 मानक अक्षांश, 60 डिग्री और ये 75 डिग्री, यह है नॉर्थ में। इसी प्रकार यहां अंकित कीजिएगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री नॉर्थ। अब देशांतरीय विस्तार है 30 डिग्री से, तो 30 डिग्री से आपको लिखना है 180 तक, तो यह हो गया 30, यह हो गया 15 करना है 30, 45 डिग्री ये हो गया 60 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, तो इस प्रकार ये विस्तार पूर्वी देशांतर में था, तो यहाँ ई लिख देते हैं दोनों तरफ पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार हमारा ये प्रक्षेप तैयार है। इसमें आरएफ जो स्केल है वो लिख दीजिएगा 1:125 करोड़। तो इस प्रकार आप बोन प्रक्षेप है वो बना सकते हैं। और इस वीडियो के लिए अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। एक बार आपको पुनः धन्यवाद।